तो सभी पापा की परियां यहीं आती हैं और मम्मी का मगरमच्छ भी यहीं आता है, इस पर का ही सहारा लेता है। तो गाइज आज की शुरुआत हम लोग करेंगे विंग्स ऑफ मैक्सिको से, जो कि दुबई डाउनटाउन में है, बुर्ज खलीफा के जस्ट सामने। बहुत ही पॉपुलर है ये जगह और आप देख सकते हो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग आसमान को किस तरीके से छू रही है। ठीक है, अभी आपको इसके आसपास का सारा व्यू मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हो और ये देख सकते हो विंग्स ऑफ मैक्सिको, जहाँ पर सारे लोग, दुबई आने वाले लोग अगर इस जगह को मिस कर देना तो फिर समझो कि दुबई आए ही नहीं वो। ठीक है, तो बुर्ज खलीफा के पास है ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नज़ारा, यहाँ पे स्लाइड भी है बच्चों के लिए, लेकिन बूढ़े लोग भी इस पर स्लाइडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यूजुअली करते भी हैं। और ये सीढ़ियों का पैटर्न देख सकते हो विंग्स ऑफ मैक्सिको के नीचे, मतलब एक साइड से उन्होंने जो है ना वो स्लोप भी बना रखा है, मतलब जिसको सीढ़ी से उतरना सीढ़ी से उतर जाओ, अगर व्हील चेयर है या बच्चों का जो है वो कार्ट है तो वो लेके आप आराम से निकल सकते हो। और इस तरीके से यहाँ का व्यू कुछ देख सकते हो, कितना खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ही पसंद आता है ये एरिया। आपको कैसा लगता है, अगर आप यहाँ आए हो, यहाँ पे विजिट किया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी। ये प्यारी सी बच्ची वेट कर रही है किसी का। चलो हम लोग आगे चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, और इन्फॉर्मेशन छोटी हो या बड़ी हो वो सारी चीज़ें आपको देता चलूँगा मैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी जो है ना, आप देख सकते हो कि लॉन्ज वगैरह है, जहाँ पर आप अगर आ जाते हो और अपने पार्टनर को खिला देते हो यहाँ पर खाना, स्पेशली नाइट के टाइम पे जो व्यू होता है ना नाइट का, अमेजिंग यार, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस जगह पे बैठकर खाना मज़े लेना। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो रमज़ान करीम पे कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहे थे उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो मेरे चैनल पे जो वीडियो देखा होगा आपने, बहुत सारा वीडियो ऐसा भी होगा जिसमें बुर्ज खलीफा के नीचे आसपास में डाउनटाउन में बैठकर आप अगर शीशा का मज़ा ले रहे हो तो वो वाइब अलग है, वो लाइफ अलग है मेरे दोस्त। और इस तरीके से सेटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो, कितना खूबसूरत लगता है, मतलब ये सेटिंग अरेंजमेंट जो है दुबई के अंदर में बहुत ही आम है, लेकिन ये जगह आम नहीं है मेरे दोस्त, ये है दुबई डाउनटाउन, है ना। बुर्ज खलीफा के सामने का व्यू मिलता है सारा। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्राइस भी जो है ना थोड़ी डिफरेंट हो जाती है बाकी एरिए के मुकाबले में। और इस फाउंटेन का तो मज़ा ही अलग है, मतलब अगर फाउंटेन के साइड पे बैठ के अपने पार्टनर के साथ आप खा रहे हो तो समझ रहे हो ना कैसी फीलिंग आ रही होगी। तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप इस चीज़ को जब तक यहाँ आकर एक्सपीरियंस नहीं करते हो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए लाइफ में एक बार दुबई ज़रूर आना। ओके, तो चलें हम लोग वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर की सारी नज़ारों से जो है ना आपको वाकिफ़ कराता हूँ मैं। ठीक है, ये नज़ारा जो है देख सकते हो आप किस तरीके से, मतलब हर जगह पे ये ट्री और ग्रीनरी और मतलब ये सारी चीज़ों का जो है ना लुक जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इमार तो भाई दाता है यहाँ का, है ना, इमार ना होता तो डाउनटाउन ना होता, डाउनटाउन ना होता तो बुर्ज खलीफा और दुबई ना होता, मतलब दुबई तो रंबल ही रंबल था ना। तो आज जो कुछ है ये सारी की सारी इमार की ही देन है, और उसको अभी तक मेंटेन करके रखना ये भी इमार की ही देन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से खूबसूरत सा ये पूरा का पूरा फाउंटेन है, मतलब अभी जो है ना जहाँ पर फाउंटेन शो होता है वहाँ पे भी लेकर आपको चलूँगा और दिखाऊँगा कि वहाँ पे कैसा लगता है, मतलब जब शो नहीं हो रहा है तब कैसा लगता है। ये जो वाटर देख रहे हो क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर जो है देख रहे हो ना, तो उसकी मेंटेनेंस के पीछे क्या है, कैसे ये मेंटेन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और ये एड्रेस की तो भाई बात ही अलग है, मतलब अगर बुर्ज खलीफा के बाद अगर देखा जाए तो 3-4 और प्रॉपर्टी है दुबई के अंदर में जो अल्टीमेट है, और बुर्ज खलीफा तो आसमान को चीरता हुआ ऊपर जा रहा है सीधा रॉकेट की तरह। मतलब कुछ जो है ना VFX वीडियो जो है थोड़े दिन पहले निकला था कि बुर्ज खलीफा रॉकेट बन के उड़ रहा था, मतलब सच में ये फीलिंग आती है। ठीक है,
तो ये देख सकते हो खूबसूरत सा, मतलब बिल्डिंग ऊपर से देख सकते हो, सबकी कलर एक जैसी, और हर एक बिल्डिंग के नियर बाई में प्लांट। भाई मतलब क्या चाहते हो, दीवार पे भी प्लांट लगाने हैं क्या? मतलब ऐसे दिमाग, क्रिएटिव माइंड आते कहाँ से हैं यार। ये देख सकते हो इमार की सेल्स ऑफिस है, ठीक है, और वहाँ पे विंग्स ऑफ मैक्सिको। तो चलें हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे ही आप विंग्स ऑफ मैक्सिको से इधर बुर्ज खलीफा की तरफ बढ़ते हो तो ये नज़ारा मिलेगा आपको, और देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है। डाउनटाउन में रहना भी जो है ना एक अलग लेवल की चीज़ है। अगर यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप रहते हो, ओ हो, मज़े आ जाने हैं। अगर इधर आपका ऑफिस है तो भी भाई मज़े आ जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिस का मज़ा तो मैंने ले लिया है, रहने का मज़ा देखते हैं, अगर नसीब में हुआ तो कभी ना कभी ले लेंगे, ठीक है। तो ये ब्रिज के ऊपर में जो है ना आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने मतलब वीडियोस वगैरह जो भी डाली है वो देख सकते हो। इस एरिया को कोई भी स्किप नहीं करता है, यहाँ पर की व्यू बहुत ही अमेजिंग आती है, पिक्चर्स के लिए भी बहुत अमेजिंग है एंड वीडियोज़ के लिए भी बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो व्लॉगर्स लोग तो यहाँ पर आते ही आते हैं, ठीक है, फ़ोटोशूट वाले लोग भी यहाँ पे आते हैं। अभी देख सकते हो आप दोनों साइड पे जो है किस तरीके से फाउंटेन का नज़ारा है, और ये ब्रिज ऊपर से बुर्ज खलीफा हो आपके सामने, और इतना प्यारा प्यारा नज़ारा हो तो क्या ही बात हो, है ना। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, है ना, मेरा तो हो जाता है, पता नहीं आपका होगा कि नहीं होगा। आप थोड़ा सा अंदाज़ा तो वीडियो देखकर लगा सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई आपने क्या अंदाज़ा लगाया, दिल गार्डन गार्डन होगा इस एरिया में कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, मस्ती से घूमो फिरो, यहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ की जो है ना, मतलब दिन में ना आना भाई, दिन में आओगे तो तप जाओगे, मतलब नज़ारा कितना भी अच्छा हो गर्मी आप नहीं झेल पाओगे, ठीक है। तो अगर मज़े लेने हैं यहाँ के तो आपको आना है शाम में, और ये जो है वाटर की क्रिस्टल एंड क्लियर जो व्यू आप देख रहे थे वो इस बोट की वजह से है। ये बोट नहीं है, ये क्लीनर मशीन है, मतलब क्लीनिंग मशीन है ये, मतलब बोट के तौर पे ये छोटी छोटी जो भी गंदगी है ना वो सारी चीज़ें खींच लेता है। और यहाँ पर देख सकते हो आप वो लोटस, ये आर्टिफिशियल लोटस है, ठीक है, ये तो आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, ठीक है। और बाकी व्लॉगर लोग देख सकते हो गोप्रो लेकर, कैमरा लेकर, मोबाइल लेकर हर तरफ लगे पड़े हैं, ठीक है। अभी तो मतलब व्लॉगिंग ऐसा हो गया ना जैसे पहले कभी हुआ करता था, आज से 10 साल पहले इंजीनियरिंग, मतलब ढेला उठाकर किसी को भी मार दो ना तो वो किसके सर पे गिरता था, इंजीनियर के। तो अभी वैसा ही सीन है कि अभी अगर किसी के भी मतलब उठा के ढेला मार दोगे ना तो किसके सर पे गिरेगा, व्लॉगर, क्या भाई व्लॉगिंग करता हूँ मतलब हर चीज़ का एक टाइम आता है। नहीं ये मेरी धन्नो यहाँ खड़ी है, मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया, और अभी हम लोग करेंगे प्रॉपर शूटिंग, ठीक है, और उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए, सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में दिखाते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कुछ व्यू है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसा है, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा और आगे की तरफ अगर बढ़ते हो तो वो पूरा ग्रासलैंड देख सकते हो जो कि एक पार्क के जैसा है, बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसकी सफाई की जा रही है, मतलब वो मशीन जो लगी थी ना बोट जैसी, वो तो सफाई करता ही है, उसके साथ ही साथ क्लीनर भी लगे हैं जो मैनुअली इसकी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। ये बड़ा पत्ता वगैरह कहीं से आ गया या कोई बड़ी चीज़ है किसी ने गिरा दी, गलती से गिरा दी, खास कर फेंक दिया, उन सारी चीज़ों को फिल्टर करने के लिए नेट से निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी छोटी छोटी चीज़ों को जो देख नहीं सकते वो उसको बोट निकाल लेती है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि अभी ग्रास लैंड पे जो है लोग कम हैं, लेकिन शाम के टाइम पे आओगे आप तो एक्सरसाइज करने वाले, घूमने फिरने वाले, रिलैक्स होने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और ये जो देख रहे हो हैंड, उसको मैं अभी आपको क्लोज से चलकर दिखाऊंगा, उसके पीछे भी बहुत गजब का कॉन्सेप्ट लगाया इन्होंने,
अच्छा अभी एक बोट दिख रहा होगा आपको, इसी तरीके से फाउंटेन शो के टाइम पे भी आप एक बोट चलती है उसका राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे इस हैंड के पास में और आपको उसके बारे में बताएंगे कि उसके पीछे कौन सी कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ओके तो ये हैंड के पोज कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन मैंने अपोजिट हैंड से किया हुआ है इसलिए सेम पिक्चर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो ये बुर्ज खलीफा, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का नज़ारा है, और आप ये देख सकते हो हैंड को, ठीक है ना। ये हैंड, बुर्ज खलीफा और फ्लैग सारे एक साथ ही आ जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। थोड़ा जूम करो तो आप देख सकते हो विन, विक्ट्री, लव, मतलब ये कुछ सिंबल है ना, इंडिकेट कर रहा है। आप इसके ऊपर देख सकते हो पिक्चर, बुर्ज खलीफा की एक साइड पे है, ये हैंड के ऊपर बर्ड बैठ गई है ना, ठीक है। तो बुर्ज खलीफा है एक साइड में, आप देख सकते हो बुर्जुल अरब भी है, ठीक है। इस तरीके से कुछ और हिस्टोरिकल मोनूमेंट भी इसके ऊपर में है जो इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसके लिए ही इस हैंड को बनाया गया है कि एक हैंड में पावर है, मतलब ये सारी इंटीग्रिटी अगर हो जाए एक साथ, अगर यूनाइटेड हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो यही इनका जो है मैसेज है, और इसके ऊपर में कुछ कोटेशन भी लिखे हुए हैं। ये देख सकते हो रियल ट्रेन भी है यहाँ पे, सारी इंजन वगैरह भी ओरिजिनल है, कीज वगैरह भी लगे हुए हैं। तो मैंने भैया से बात किया, उन्होंने बताया कि ये चार्जेबल है, करीब 50-60 दिरहम बताया उन्होंने 30 मिनट के लिए, ठीक है, 30 मिनट की राइड ये देंगे। और ये पूरा डाउनटाउन में, मतलब यहीं इनसाइड द कंपाउंड आपको ये पूरा घुमाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हो उसके कोचेस का, मतलब इसमें बच्चे खड़े हो भी सकते हैं और बैठने वाले भी बॉगीज हैं इसमें, ठीक है, 3 बॉगीज हैं, और इसमें मज़ा आएगा घूमने में, ठीक है। तो इस तरीके से टॉय ट्रेन का भी मज़ा आप यहाँ आकर ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत सारी ऐसी डेडिकेटेड स्पेस बनाई गई है, और नाइट के टाइम में यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। तो अगर आपने मेरी नाइट वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, डॉन टॉन ड्यूरिंग नाइट है ना, तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो डे का भी व्यू आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि दिन के टाइम पे ये कैसा दिखता है और रात के टाइम पे कैसा दिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड वॉकिंग भी, मतलब इसके ऊपर में आप जो है ये वॉकिंग कर सकते हो, मतलब इसकी करीब 30-40 दिरहम चार्जेस है, और 15-20 मिनट के लिए ये अलाउड करते हैं ऊपर जाकर, वो मज़ा आता है उसके ऊपर जब चलते हो ना, तो वो हिलता है, ठीक है, तो अच्छा लगता है। शाम के टाइम पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस बोर्ड वॉक के ऊपर में वो लोग आपको स्केटिंग सिखाते हैं यहाँ पे, मतलब स्केटिंग की क्लासेस भी होती है, बहुत सारे लोग देखते भी हैं। और ये लाइट शोज़ आप देख सकते हो हर तरफ पे, लाइट एंड म्यूज़िक बॉक्स जो लगा है ना वो अल्टीमेट है, मतलब कहीं से किसी तरह की जो है ना साउंड में कोई एरर नहीं आनी है, हर तरफ पे साउंड जो है इक्वली आनी है, और बहुत ही स्वीट साउंड होगा। और लाइटिंग की तो बात ही ना करें, बहुत ही गजब की लाइटिंग होती है यहाँ की। और इस तरीके से कुछ नज़ारा देख सकते हो आप। यहाँ पर सिक्योरिटी का भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिक्योर है ये कंट्री, आप कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी टाइम घूम सकते हो बिंदास। और ये कैनन लगी हुई है, एक्चुअली ये जो है ना कैनन लगी थी रमदान के टाइम पे, और यहाँ पे कैनन के साथ जो लोग हैं ना, पुलिस वाले लोग और कैनन फायर वाले लोग, उनके साथ कुछ लोग पिक्चर्स खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो चलें देखते हैं आगे का क्या हो सकता है नज़ारा। और तो हमने अपनी धनों को उठा लिया है और हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, और बहुत सारी चीज़ों को दिखाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बाइक का तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है दुबई के अंदर में, क्योंकि भाई यहाँ पे चलना, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस भी अगर आप टैक्सी से चलते हो तो अच्छा खासा उसके लिए पेमेंट करना पड़ सकता है, मतलब तो ये बहुत अच्छा है, चार्ज करके आप एक पार्टिकुलर डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हो, और बहुत ही सेफ़ है, मतलब आप उसके लिए डेडिकेटेड पाथ भी बने हुए हैं इलेक्ट्रिक बाइक के लिए।
और ये देख सकते हो इस तरीके का फुल नज़ारा है यहाँ से। फिर मतलब आप विंग्स ऑफ मेक्सिको से चल के यहाँ तक आते हो अगर, तो थोड़ा सा तो चलना हो जाता है, और इसके ऊपर जाते हो तो फिर वो ग्रास लैंड मिलेगा आपको जो आर्टिफिशियल बनाया गया है, और उसके ऊपर का नज़ारा ही अमेजिंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फुल टाउन टाउन यही है, छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अच्छा मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है और स्टडी भी की है, लेकिन इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये जो रेड कलर की चीज़ें आप देख रहे हो क्या है ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यार देखो लगता है सब कुछ के पास पास है, लेकिन चल चल के हालत ख़राब हो जानी है, तो आप ये वाली जो है ना राइड कर सकते हो। इसकी भी चार्जेस है कुछ, बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, और ये भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए होता है, तो आप इसे बुक कर सकते हो और आराम से बिना थके हुए यहाँ का नज़ारा आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा ये सामने देख रहे हो ये फॉरेनर लोग, मतलब हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, ठीक है ना, ऐसी ही होनी चाहिए फैमिली, है ना। और ये फॉरेनर लोग की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वो लोग बुक रीडिंग, फोटोग्राफी एंड ट्रैवल, ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये तीन चीज़ें जो है ना लाइफ में आपको प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर यही चीज़ हम लोग करना शुरू करें ना, मतलब मुझे ही ले लो, मैं बहुत ज़्यादा घूमता फिरता हूँ, तो मुझे मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे घर वाले लोग, रिलेटिव लोग, भाई इतना घूमता क्यों है, इतना घूमता क्यों है, भाई घूमता क्यों है वो तो मुझे मालूम है ना क्यों घूमता हूँ। तो घूमने के फ़ायदे जो घूमता है उसे ही मालूम हो सकता है, और किसी को नहीं मालूम हो सकता है। अपने इंडिया में घूमोगे ज़्यादा तो लोग बोलेंगे फालतू के पैसे उड़ा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि एक्चुअल बेनिफिट क्या होती है इनकी। ठीक है, तो उनको बोलने दो, उनका काम है बोलना, अपना काम है जो मर्ज़ी करो। तो विंग्स ऑफ मेक्सिको से चले थे हम लोग, अभी हम लोग दुबई मॉल और दुबई फाउंटेन के पास करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो कितना टाइम लग गया, मैं तो स्लोली आ रहा था इसलिए इतना टाइम लग गया, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचना कि मतलब चलो ये तो पास है चले जाते हैं,
वहाँ से चले जाते हैं के चक्कर में किसी दिन पढ़ोगे ना तो फिर समझ आ जाएगा आपको। ये मत सोचना कि सारी चीज़ें पास है, ठीक है, लगता है कि पास है लेकिन पास होता नहीं है, बहुत चलना पड़ता है यार, पैर में बहुत दर्द हो जाता है चल चल कर, ठीक है। तो इसीलिए अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक बाइक का ही सहारा लेना शुरू कर दिया है, आप देख लेना, रेंटल इलेक्ट्रिक बाइक भी ले सकते हो आप, या फिर राइड हर जगह पे अवेलेबल होती है, वो भी चाहो तो ले सकते हो आप, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो अभी वक्त आ चुका है डाउनटाउन एंड बुर्ज खलीफा को बाय बाय करने का, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग व्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।